हेलो जैन दोस्तों, मैं राहुल सिंह, राहुल वाई फाई स्टूडियो में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों, आज मैं एक बड़ी खबर लेकर के हाजिर हो चुके हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती प्रोन्नति बोर्ड, जो आपका 41,520 पे फाइनल रिजल्ट आ चुका है, उसके संबंध में ये ट्रेनिंग कब शुरू होगी, ये बड़ी खबर प्राप्त हुई है। भर्ती बोर्ड के द्वारा इसके संबंध में घोषणा कर दिया गया है। जी हाँ, दो शिफ्ट में आपका ये पूरा पूरा ट्रेनिंग प्रक्रिया सम्पन्न होगी। हम पूरा विस्तार से जानकारी देंगे। उससे पहले चाहेंगे चैनल पर जो हमारे मित्रगण पहली बार आए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें तथा बगल में लगे बेल आइकन के बटन को दबा लें, ताकि आने वाली हर छोटी बड़ी सूचना जो कि उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती प्रोन्नति बोर्ड के संबंध में हो, हम आप तक आसानी से पहुँचा सकें। तो बिना समय का नुकसान किए लेते हैं पूरी सूचना इसके सामने। ट्रेनिंग जो आपके 41,520 पदों पर लिए आपका स्टार्ट हो गई है। यहाँ से आप देख सकते हैं, चयनित सिपाहियों की ट्रेनिंग 29 अप्रैल से। पूरी खबर ले लेते हैं विस्तार से। जो खबर प्राप्त हुई है लखनऊ से हमें, सिपाही भर्ती जनवरी 2018 के तहत चयनित 41,520 अभ्यर्थियों का प्रशिक्षण 2 चरणों में कराया जाएगा। ये बड़ी चीज़ है आप लोगों के लिए, 2 चरणों में आपका ये कराया जाएगा। पहले चरण में नागरिक पुलिस के लिए 23,520 सिपाहियों का प्रशिक्षण 29 अप्रैल से, और दूसरे में PSC के 18,000 अभ्यर्थियों का प्रशिक्षण 11 नवम्बर से कराए जाने की योजना बनाई गई है उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती प्रोन्नति बोर्ड के द्वारा। प्रशिक्षण निदेशालय के एक अधिकारी की माने तो प्रशिक्षण की क्षमता कम होने से इसे 2 भागों में बांटा गया है। अगर क्षमता होती तो आपकी पूरी पूरी 41,520 एक साथ ही में कराई जाती। पहले चरण के लिए 29 अप्रैल से कुल अस्थायी और अस्थायी 84 केंद्रों पर प्रशिक्षण शुरू हो रहा है। यह प्रशिक्षण 29 अक्टूबर को समाप्त तो होगा। देख सकते हैं, 29 अक्टूबर को ये समाप्त तो होगा। 12 दिन के अंतराल के बाद 11 नवम्बर से दूसरे चरण के लिए PSC के 18,000 सिपाहियों का प्रशिक्षण दिलाया जाएगा। निदेशालय ने सभी केंद्रों के प्रशिक्षण के लिए समय सारणी भी भेज दी है। वर्चुअल क्लास की व्यवस्था का दोबारा ट्रायल कर लिया गया है। महिलाओं के प्रशिक्षण के लिए अलग व्यवस्था की गई है। यूपी के अलावा CISF RTC देवली राजस्थान और CISF मुंडाली उड़ीसा में भी 1400 रंग रूट प्रशिक्षित किए जाएंगे। बालुओं के सिपाही की भर्ती 2018 जनवरी का अंतिम चयन परिणाम उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती प्रोन्नति बोर्ड ने 18 फरवरी को जारी किया था। इसमें नागरिक पुरुष के 23,520 अभ्यर्थियों में 4,704 महिला अभ्यर्थी। इसके लिए 14 जनवरी 2018 को भर्ती प्रक्रिया शुरू हुई थी। ये पूरी बड़ी खबर थी कि 29 अप्रैल से जो आपका 41,520 पदों वाला ये आपका जो है ट्रेनिंग शुरू होने वाला है। मित्रों, तो बिल्कुल तैयार होइए, आपका 1 महीना बचा है। 29 अप्रैल से जो है 23,520 पदों के लिए आपका जो है ट्रेनिंग शुरू होगा। पुनः जो है 11 नवंबर से 18,000 पदों के लिए जो है PSC के इसका ट्रेनिंग आपका शुरू होगा। तो 49,568 पुलिस भर्ती रिजल्ट के समय जैसे भी हमें खबर प्राप्त होती है, वीडियो के माध्यम से आपको सूचित किया जाएगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करिए। धन्यवाद।